Hello viewers, you are watching Physics with Muhammad Arafat Khan और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हमने जो इससे पहले टॉपिक समझा है इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर के अंदर वो टॉपिक था ओम्स लॉ और उस ओम्स लॉ की इक्वेशन यानी कि V इज इक्वल टू आई आर में जो R आ रहा था ये वही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल के अंदर। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जी बिल्कुल, ये जो आप फिलहाल अभी जो देख रहे हैं अपने सामने एक पिक्चर, इस पिक्चर में आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही होंगी, तीन पर्संस नज़र आ रहे हैं, एक वोल्टेज है, एक करंट है और एक ओम है यानी कि रेजिस्टेंस है। वोल्टेज का काम होता है सर्किट में करंट को फ्लो करवाना, ठीक है, जबकि रेजिस्टेंस का जो काम होता है वो होता है उस करंट के फ्लो को रोकना, अपोज करना। ओके, आपको समझाने के लिए मैं और आसान करता हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, आपको शो हो रही होगी। इस डायग्राम में आप चेक करें कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन पर हमने क्या किया हुआ है कि डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हमने ऑब्स्टिकल्स को फिक्स कर दिया है और एक बॉल है जिसको हम अलाउ कर रहे हैं कि वो मतलब ऊपर से फ्लो करके नीचे की तरफ जाए। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ओके, जैसे ही ये बॉल को हम अलाउ करेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो जब ये मूव करना स्टार्ट करेगी तो इसके रास्तों में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। अच्छा, इन रुकावटों को हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस ही कहते हैं बेसिकली। ओके, जब ये बॉल मूव करते हुए नीचे जाएगी तो पहले एक ऑब्स्टेकल से टकराएगी, फिर डायरेक्शन चेंज करेगी, फिर टकराएगी, फिर डायरेक्शन चेंज करेगी, फिर टकराएगी, तो कोलाइड करते करते ये बॉल फाइनली ऊपर से नीचे तक पहुंच जाएगी। ओके, थ्रू आउट द मोशन इस बॉल ने एक चीज का सामना किया एंड दैट वन थिंग वॉज रेजिस्टेंस। ओके, क्यों ना हम इस वाली डायग्राम को अपनी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट वाली डायग्राम से कंपेयर करें। तो देखें, हमारे पास लेट सपोज एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आपको ये जो ब्लैक बॉल्स नजर आ रही हैं दीज आर द फिक्स्ड एटम्स, और जो इस डायग्राम में आपको ब्लू बॉल्स नजर आ रही हैं एरोज के साथ दीज आर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी हमारे पास अगर मैं उस डायग्राम से कंपेयर करूं उस डायग्राम में, ओके, उस वाली डायग्राम के अंदर बॉल है जो कि मूव करती हुई जा रही थी, इस वाली डायग्राम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव करते हुए जा रहे हैं। ओके, वो जो बॉल्स हैं वो फिक्स्ड ऑब्स्टिकल्स के साथ टकरा रहे थे, कोलाइड कर रहे थे, और यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी टकरा रहे हैं। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन है ये मूव करता हुआ जाएगा तो इसके सामने एक फिक्स्ड एटम आएगा, इसके साथ टकराएगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर इसके साथ कोलाइड करेगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर ऐसे कोलाइड करते करते ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द कंडक्टर मूव करते हैं। तो रेजिस्टेंस वो वाली भी और रेजिस्टेंस ये वाली भी, और क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस बेसिकली रिलेट कर रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो हम ऐसी रेजिस्टेंस को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ऑल अबाउट, मार्क माय वर्ड्स, नोट माय वर्ड्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ऑल अबाउट द कोलिजंस बिटवीन द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द फिक्स्ड एटम्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो रेजिस्टेंस होती है सिर्फ और सिर्फ एक वजह से होती है एंड दैट वन थिंग इज व्हाट, द कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द फिक्स्ड एटम्स ऑफ द कंडक्टर। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल कंडीशंस की तरफ। ओके, इन एग्जांपल्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अगर हम इसके डेफिनेशन को पढ़ें तो डेफिनेशन आपको अब मजीद क्लियर हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल, और मटेरियल के साथ मैंने साथ साथ कंडक्टर लिख दिया क्योंकि मटेरियल्स में बेसिकली वो मटेरियल्स जो कि अलाउ करते हैं दोज आर कंडक्टर्स ना। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल और अ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जो करंट के फ्लो को रोकने वाली चीज होती है इसी चीज को, इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने पढ़ा था कि वी इज इक्वल टू आई आर, या फिर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था दैट वॉज आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो के अंदर पढ़े थे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी फौरन जाके पहले वो वीडियो देखें, ओम्स लॉ समझें, उसके बाद आपको ये मजीद समझ आ जाएगा। देन वी हैव, ओके, अगर मैं इस फॉर्मूले को डिस्कस करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, और अगर रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को आप रीड करना चाहें तो ये देखें, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिवाइड किया इलेक्ट्रिक करंट के साथ, और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जब कोई चीज आपस में डिवाइड होती है तो हम कहते हैं इट इज द रेशियो। तो अगर मैं रीड करना चाहूं तो देखें क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस इज द रेशियो
ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, ये बन गई रेजिस्टेंस की एक और डेफिनेशन, इसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। ओके, ये देखिए लिखा हुआ है, हेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, क्या लिखा हुआ है, इट इज द रेशो, इट इज का मतलब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इज द रेशो ऑफ किस किस का, पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। सो ये आपके पास एक डेफिनेशन और आ गई, ठीक है। ओके, क्यों ना हम इन दोनों डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अच्छा कौन सी दो डेफिनेशंस, एक ये वाली डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेफिनेशन, और एक ये वाली डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन वो डेफिनेशन होती है जो कि मैथमेटिकल कंडीशन को डिफाइन कर रही होती है, मतलब फॉर्मूले को या इक्वेशन को डिफाइन कर रही होती है, और क्वालिटेटिव डेफिनेशन वो डेफिनेशन होती है जो कि एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही होती है कि बेसिकली ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या, ठीक है। ओके, आफ्टर दीज टू डेफिनेशंस लेट्स डिस्कस अबाउट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, अब हम इस चीज को डिराइव करने जा रहे हैं। ओके, ड्राइव करने के लिए मैं काम ही करता हूं, सबसे पहले इसके फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूं, एंड द फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय कैपिटल I, ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब हमें अगर यूनिट बनाना हो तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर जो जो फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं उनके यूनिट्स को पुट करते हैं। ओके, कैपिटल आर एज इट इज रहेगा, और ऊपर आ रहा है कैपिटल वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है दैट इज वोल्ट, और वोल्ट का सिंबल होता है वी, और अपॉन में आ रहा है आई, एंड आई इज द इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। ओके, एम्पियर। अब अगर मैं इस यूनिट को सिंबॉलिकली लिखूं तो वोल्ट को हम मेजर करते हैं कैपिटल वी से, सॉरी मेजर नहीं, डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, और एम्पियर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। सो इसका जो बेसिक यूनिट बना वो क्या बना, वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट पर एम्पियर में, और इसको हम इक्विवेलेंट रखते हैं ओम्स के, ओम्स के। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस को जो डिस्क्राइब करने वाला, डिफाइन करने वाला जो पहला साइंटिस्ट था बेसिकली वो था जॉर्ज सीमन ओम, तो इसी वजह से हम रेजिस्टेंस को बेसिकली मेजर करते हैं कौन से यूनिट्स के अंदर, ओम्स के अंदर। ओके, ओम का जो सिंबल होता है जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली करते हैं ओमेगा, इट इज अ ग्रीक लेटर, इट इज ओमेगा। सो वी फॉर वोल्ट्स, ए फॉर एम्पियर, एंड ओमेगा फॉर ओम्स। ओके, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ वन ओम रेजिस्टेंस कितनी होती है, तो बहुत आसान सी बात है, हम कहते हैं कि अगर आप वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करें और उस वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस कंडक्टर में वन एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो गया, तो इन दोनों की वजह से जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी वन ओम। तो देखो डेफिनेशन लिखी हुई है वन ओम को डिफाइन करने के लिए, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल बी वन ओम इफ वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूसेस वन एम्पियर करंट। सो एक वोल्ट की वजह से एक एम्पियर करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड वन ओम रेजिस्टेंस। ओके, देखें, वन वोल्ट डिवाइडेड बाय वन एम्पियर इज इक्वल टू वन ओम। देन इन द लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके सिंबल्स को। सिंबल से मुझे याद आया, मैंने इस चैप्टर की जो सबसे पहली वीडियो अपलोड करी थी दैट वॉज ऑल अबाउट द सिम्बल्स ना, हमने डिवाइसेस को उनके सिम्बल्स के साथ पढ़ा था, तो अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बड़ी जो फायदा देगी, सिर्फ रजिस्टर को नहीं बल्कि हमने डिफरेंट, मतलब इसके अलावा जो सिम्बल वो होते हैं डिवाइसेस होते हैं उनको भी हमने डिस्कस किया था। ओके, फिलहाल हम बात करते हैं रजिस्टर की। ओके, दो किस्म के रजिस्टर्स हमारे पास होते हैं, या तो फिक्स्ड वैल्यू का रजिस्टर होता है या वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। जो फिक्स्ड रजिस्टर होता है उसको हम शो करते हैं या तो ऐसे, ये सिंबल होता है सर्किट डायग्राम में, हम हमेशा ऐसा बनाते हैं, ठीक है, या तो हम फिक्स रेजिस्टर को शो करते हैं ऐसे, और दूसरा वाला होता है वेरिएबल रेजिस्टर, चेंज होने वाला रेजिस्टर जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हो, या तो उसको हम शो करते हैं ऐसे या उसको हम शो करते हैं ऐसे। बट एक फर्क है, मामूली सा, वो फर्क ऐसा है कि अगर आपने क्रॉस में एरो लगा दिया इसका मतलब अब ये वेरिएबल हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। Okay, thank you for watching and don't forget to like and subscribe our channel. Thank you.